नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिनरल बनाने का प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जो गायों में कम खर्च में कम रुपए में किसान जो है बड़े स्तर पे दूध उत्पादन कर सकता है। गर्मियों में पशुओं के लिए जो गर्मी में ज्यादा हीट लगता है, इससे बचाने का काम करता है। और इसमें 100 प्रकार का मिनरल होता है। जितने भी गर्भाधान का समस्या होता है या फिर उनका जो जेर अटकना, बच्चा नहीं टाइम से गिराना, इन सब समस्याओं का जड़ है मिनरल का कमी। अगर बॉडी में मिनरल का कमी होगा पशुओं का, तो इन सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आज हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने 40 किलो पानी लिया है और पानी में हम सेंधा 5 किलो डाल दिए। ये आप देख सकते हैं 5 किलो, ये धीरे धीरे घुल जाएगा पानी में, अपने आप धीरे धीरे घुल जाएगा। तो इसमें हम 5 किलो सेंधा नमक डाल दिए। अब इससे क्या होगा, इसका सारा जो मिनरल है वो पानी में मिल जाएगा और उसके बाद जो है हम इसमें हम मिनरल सेंधा नमक जो होता है करीब इसमें 100 प्रकार का, देखिए सेंधा नमक का ये जो पैकेट था 5 केजी का लाया था हमने मार्केट से, 100 प्रकार का इसमें मिनरल होता है। ऐसे तो पशुओं को घास के द्वारा मिनरल जमीन से प्राप्त होता है प्राकृतिक रूप से, लेकिन आजकल जमीन में उतनी पावर रह नहीं गया जिससे मिनरल की कमी हो गई। ज्यादा खाद डालने से सारे उसके उर्वरक क्षमता खत्म हो चुका है। तो अब हम उसको ये सब प्राकृतिक चीजें, इसमें 500 रुपया हमें खर्च आया। 5 किलो सेंधा नमक, 2.5 किलो मीठा, 1 किलो मीठा सोडा, 1 किलो काला नमक और 1 किलो गेरुआ मिट्टी, इतना सामान लेने में 500 रुपए का खर्चा है। इसमें करीब 50 प्रकार के मिनरल होते हैं, काला नमक बोलते हैं, आप सब जानते होंगे। अब हम इसका इस्तेमाल जो है हम इसमें करेंगे मिनरल बनाने में, तो हम इसको भी डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको भी डाल दिया है, ये सब मिनरल बन जाएगा। तो इसमें 100 प्रकार के उसमें है, 50 प्रकार का इसमें मिनरल हो गया। अब हम आते हैं मीठा के ऊपर, तो मीठा में भी कम से कम 30 से 40 प्रकार का मिनरल पाया जाता है जो मजदूर के लिए। अगर इस पत्ती से हम लोग अगर इसका मिनरल बनाते हैं तो पशु जो है कभी भी जो है इंटरनल प्रॉब्लम जो है, जो गाय का जो होता है जैसे दूध नहीं उतरना, बच्चा अटक जाना, जेर नहीं गिराना या कमजोर हो जाना, दूध कम देना या तरह तरह की जो प्रॉब्लम होती है, भाड़ फेंक देना, इन सब प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो अभी हम इसमें 2.5 केजी मीठा, 5 किलो सेंधा नमक, 1 किलो काला नमक, और दोस्तों इसमें एक चीज छूट रहा है जो मार्केट में मिला नहीं है, वो आने के बाद इसमें डालेंगे, वो है गेरुआ मिट्टी। उसमें भी 100 प्रकार सौ प्रकार का मिनरल होता है गेरुआ मिट्टी में। तो गेरुआ मिट्टी जब लाएंगे तो इसमें हम जो है गेरुआ मिट्टी डाल देंगे और वो भी इसमें मिनरल का जो है संपूर्ण सिस्टम को कम्प्लीट कर देगा। तो गेरुआ मिट्टी की कमी इसमें है। 40 किलो मिनरल लमसम 35 से 40 किलो तैयार हो चुका है। और 1 किलो मीठा सोडा है, इसको भी हम इसमें डालेंगे कि जो इन सब मिनरल को जब मिलाते हैं तो अपच की समस्या ना हो। जैसे गाय अगर खाए तो उसको सुपाच्य हो, पच जाए सारा और ताकत के रूप में हो जाए, इसलिए इसमें मीठा सोडा। मीठा सोडा का इस्तेमाल करते हैं, इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, कुकिंग सोडा नाम है। और इसका हमने डाला है, अब इसमें सारा चीज को हम मिक्स करेंगे। तो इसमें मीठा हो गया, अभी मीठा मिक्स कर रहे हैं हम, और मीठा के बाद अंदर जो है वो सारा अपने आप भूल जाएगा। देख सकते हैं एक संपूर्ण मिनरल 40 किलो हमने मात्र 500 रुपए में तैयार कर दिया। अगर 5 किलो मिनरल लेने जाएंगे तो कम से कम 1000 रुपए का खर्च आता है मार्केट में, लेकिन हम लमसम 40 किलो मिनरल
हम जो है 500 रुपए में ही तैयार कर दिए। वो अंदर जो मीठा घुलने वाला है वो घुल जाएगा एक दो दिन के अंदर, जो भी हमने सेंधा नमक है, काला नमक है या वो है, उस घुल जाएगा अपने आप। और जो गेरुआ मिट्टी डालेंगे बाद में, वो मिट्टी जो है अपने आप घुला हुआ रहता है, मतलब उसको डालेंगे कभी भी जानवर को देना है तो इसे हिला देना। हिलाने के बाद उसमें से 100 ml से 150 ml एक टाइम एक पशु को खिलाना चाहिए। और ये इसलिए ये कारगर है कि कम खर्च में ज्यादा उत्पादन को बढ़ावा देने पर किसान जो है इससे प्रभावित होगा और उनको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों प्रोसेस। देखिए धीरे धीरे मिनरल घुलने लगा है और पानी का कलर भी धीरे धीरे बदलने लगा है। तो ये जितना चीज इसमें ठीक से मिल जाएगा तो उतना ही ये पावरफुल होता चल जाएगा। जो भी इसमें गंदगी होगा, जो एक्स्ट्रा चीजें होगा, उसको छान लिया जाएगा। तो अभी जो है गायों के लिए बिल्कुल समझिए कि उसका जो है जीवन संजीवनी है कैल्शियम और मिनरल, वो हम पूरा करेंगे। तो ये था प्रोसेस, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं गेरुआ मिट्टी। एक गेरुआ मिट्टी होता है, इसमें 100 प्रकार का मिनरल होते हैं, ध्यान से देख लीजिए। और इसी मिट्टी को हम गायों का मिनरल बनाने में उपयोग करते हैं। और इसमें हम 1 kg मिनरल, इस जो हम मिनरल बनाए हैं इसके अंदर मीठा सोडा, इसके अंदर हमने डाला है मीठा 2.5 किलो, इसके अंदर सेंधा नमक 5 किलो, इसके अंदर 1 किलो काला नमक और 1 किलो गेरुआ मिट्टी। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसमें डाल दिया है और ये इस तरह से खोल रहा है, मतलब वो हो रहा है। तो इसमें मिट्टी भी हमने डाल दिया गेरुआ। अब हम इसको मिला देंगे और मिनरल बन के तैयार है गायों के लिए। ये आप देख सकते हैं इसमें हमने मीठा सोडा डाल दिया है, इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है, पाचन क्रिया में कोई दिक्कत ना हो गायों को, इसलिए मीठा सोडा के डालने की आवश्यकता पड़ा है। तो ये मिनरल बन के तैयार है, ये मिल चुका है अंदर गेरुआ मिट्टी पूरी तरह से। ये जो है प्राकृतिक मिनरल कैसे बनाते हैं, ये था विधि, आप लोग देख सकते हैं। ये प्राकृतिक मिनरल बन के तैयार है। हम गायों को 100 ml सुबह या 150 ml सुबह और शाम खिला सकते हैं। इसके अंदर सेंधा नमक, काला नमक सब मिश्रित किया हुआ है। तो ये था दोस्तों जो है मिनरल, ये गायों को जो प्राकृतिक मिनरल हमने तैयार किया है 40 kg, ये सब चीजें मिलके तैयार हुआ है। तो धन्यवाद।